नमस्कार दोस्तों आपका धनमंत्री कृपा हेल्थ चैनल में बहुत बहुत स्वागत दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ से अवगत कराने जा रहा हूं कि आपको साइटिका का रोग है स्पाइन का कोई रोग है एल फोर एल फाइव एस वन से संबंधित तो वो ना खाने वाली चीज़ है कि आप उसको खाएंगे और आपको आराम हो जाएगा दोस्तों वो सिर्फ़ बांधने से ही काम चला देती है वो यानी कि अगर उस बूटी को हम बांध देते हैं तो वो जो दर्द है हमारी वो निकल जाती है और उस जड़ी बूटी से ही मैं आपको अवगत कराने जा रहा हूँ आज और का में इसका 99 नाइन परसेंट रिज़ल्ट मिल जाता है कई बार नब्बे परसेंट तो हंड्रेड परसेंट तो है ही है यानी कि नाइन्टी टू हंड्रेड परसेंट इसका रिजल्ट है ये मैंने अक्सर देखा है और इसका प्रचलन का तरीका क्या है इसको कैसे कैसे लोग यूज़ करते हैं ये भी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ तो दोस्तों अब उम्मीद करूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए शेयर करिए और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें तो दोस्तों अभी जो मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ ये जो जड़ी बूटी है इसका नाम है चित्रक हमारी हिमाचली भाषा में इसे चित्रा कहते हैं और इसकी जो जड़ का रेट होता है अगर पंसारी के पास हम इसको ख़रीदें तो उसका रेट जो होता है लगभग बारह सौ रुपये किलो के हिसाब से है सूखी जड़ का और जब कभी हम स्पाइन में दिक्कत है या साइटिका में दिक्कत है तो उस इस चीज़ का हरी जड़ का ही प्रयोग किया जाता है और इसको कैसे यूज़ करना है ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये इसके पत्ते होते हैं थोड़ा मैं सुबह लाया था तो अभी ये सूख गए हैं लेकिन इसके ऊपर सफेद रंग के फूल होते हैं सफ़ेद रंग के फूल होते हैं और दोस्तों ये आग है आग अगर किसी चीज़ में ये बवासर में भी बहुत काम करती है ये बहुत सारी औषधियों में पड़ती है चीज़ और इसके बहुत सारे गुण हैं बहुत सारे फ़ायदे हैं ये वीडियो लंबा चला जाएगा लेकिन ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि आप हैरान हो जाएंगे दोस्तों ये ऐसी औषधि है कि अगर आप मान लिया आपको दांत में दर्द लगा है बहुत तीव्र दर्द है तो जैसे ये जड़ है थोड़ा सा टुकड़ा यहाँ से निकाल लीजिए छोटा सा और जिस दांत में आपको दर्द है उस दांत के नीचे उसको दबा लीजिए लेकिन इसका एक विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि वो जो जड़ है कहीं चमड़ी को ना टच करे और जो उसका जैसे मुंह पानी से भर जाएगा तो उसको थूकते रहना है अदरवाइज अगर आपकी चमड़ी को टच करेगा अंदर गाल अंदर की तरफ से टच करेगा कहीं तो वहाँ से छाला बना देता है इतना तेज होता है और आज अभी तक बहुत सारी ऐसी अवधियाँ हैं बहुत सारे जैसे लहसुन है दूसरी प्रकार की किस्में हैं लेकिन वो जलाता नहीं छाला नहीं डालता लेकिन ये इसके अंदर इतनी अग्नि है इतना तेज़ है कि ये कहीं भी आपको अगर आप शरीर से कहीं भी इसको दो चार दिन के लिए बाँध देते हैं तो वहाँ पे इसका छाला पड़ जाता है और इसका मैं आपको एक और जो तरीका बताता हूँ जिन लोगों को जैसे कमर में तुरंत लचक पड़ जाती है जैसे बाल्टी उठाई कोई चीज़ भारी चीज़ उठा ली तो कई बार हमें कमर में लचक चल चली जाती है और लंबे समय तक वो दर्द बने रहने से हमें डिस्क की प्रॉब्लम हो जाती है एक हमारे ही पड़ोस में लेडीज़ है वो बताती नहीं है लेकिन मुझे इस चीज़ का पता है वो क्या करती है किसी को लचक चले जाए तो इस जड़ को जैसे ये जड़ है थोड़ा सा कूटती है और उस कूटी हुई जड़ को अच्छी तरह से कूट करके उस स्पाइन के ऊपर उसका रस लगा देती है और आदमी को थोड़ी देर में राहत मिलना शुरू हो जाती इतना तेज है इतना तेज़ है इतना तेज़ है कि आदमी को लज को भी कुछ मिनटों में आदमी को राहत मिल जाती है अब साइड का में या कमर के दर्द के लिए जैसे आपको एल फोर है एल फाइव है तो कैसे आप इसका यूज़ कर सकते हैं दोस्तों देखिए ये जड़ मैंने तोड़ी आप इसकी थोड़ी मोटी जड़ ले और बीच में से इसके दो टुकड़े कर लें दो टुकड़े करने के बाद जैसे इतना सा पीस ले लिया और इसको आपने जहाँ हमारी माताएं बहनें पायजेब पहनती हैं पायल पहनती हैं मैं आपको बता भी देता हूँ कहाँ जैसे इसको बांधना होता है ये यहाँ पे यहाँ पे इस जगह कहीं भी आप इसको बांध दीजिए चाहे अगली साइड चाहे पिछली साइड और इसको डायरेक्ट ना बांधें बांध सकते हैं अगर कुछ भी नहीं है लेकिन इसके अंदर थोड़ा छाला पड़ जाता है उससे घबराना नहीं उससे कुछ नहीं होता है तो ये जो जड़ है ये बहुत ही साइड का में प्रभावकारी है जब इसका रस इतना प्रभावशाली है तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इसका असर कितना ज़्यादा होगा स्पाइन की बहुत सारी ऐसी मैंने लोगों को देखा है कि अगर टांग में जिस साइड में आदमी को टांग में दर्द होती है अगर उस साइड में इसको बाँध दिया जाए तो बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होता है और इसका उखाड़ने का समय तरीका क्या है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वीडियो पूरा देखिए अदरवाइज़ आपको पता नहीं लगेगा अगर मान लिया आप छालों से बहुत घबराएं आपको डर लगे लेकिन इसको डायरेक्ट ही बांधा जाता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ वहाँ पे छाला ज़रूर पड़ जाता है लेकिन उस चीज़ से आपको राहत भी मिल जाती है अब इस चीज़ को आप किसी कपड़े से भी पहले एक लपेटा मार लें ताकि वो डायरेक्ट जो है आपके ऊपर इतना असर ना करें अगर किसी छोटा सा एक लपेटा कपड़े से मार लें उसके बाद उसको वहाँ से किसी भी आप नीले कपड़े से वहाँ बांध दें तो अच्छी तरह कस कर के उसमें तीन चार लपेटे लपेटियाँ लें उसको बांध लीजिए अब इस जड़ को उखाड़ने का समय इस जड़ को उखाड़ने का समय सूर्योदय से पहले इसको उखाड़ा जाता है ये दोस्तों मन घंत कहानी अभी है, मैं इस वीडियो को आप पूरा देखिए बने रहिए कहाँ कहाँ इसको कैसे बांधते हैं ये मैं बताता हूँ आपको तो पहले मेरी बात पूरी होने लीजिए फिर मैं आपको पूरा विवरण इसका बताता हूँ तो इसको एतवार के दिन रविवार के दिन आप क्या करेंगे सूर्य ने उदय होने से पहले आप इसको उखाड़ के ले आएंगे इसको भली भांति नमस्कार करके उसके बाद सूर्य उदय होने के बाद आप इसको अपनी पैर में अपनी टांग में बांध लीजिए और ठीक एक हफ्ता इसको बांधे रखिए जैसे अगला संडे आएगा अगला एतवार आएगा उस दिन उस उस चीज़ को इस जड़ को खो लीजिए अब मैं बताता हूँ मैं जगह के नाम नहीं लूँगा क्योंकि ऐसा होता है कि मैंने अक्सर जा जा करके देखा है कि वो लोग क्या बांधते थे और बहुत सारे लोग यूँ भ्रमित करते हैं कि हम इसको मंत्र मारते हैं ये करते हैं ये हम इसको बांध सकते हैं तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं इसको कोई भी बन सकता है कोई भी इसको यूज कर सकता है बहुत सारी ऐसी जगहें हैं लेकिन इसमें कुदरती ही ऐसा गुण है ये पूरे वायु विकार को जड़ जो है वो खींच लेती है इस करके हमारा जो साइटिका का दर्द है स्पाइन का दर्द है उसको ये खींच लेती है तो दोस्तों कहने का मतलब है कि ये इतनी तीव्र चीज है दोस्तों हम जो है इसका तेल बनाते हैं इससे हम तेल तैयार करते हैं और इसके अंदर जो चार पांच और औषधियाँ जो जड़ी बूटियाँ डलती हैं वो हम डालते हैं और उस तेल का तो प्रयोग जो है हम पैरालाइज में घुटने के दर्द में स्पाइन के दर्द में यानी कि कहीं भी बॉडी में दर्द हो इस चीज़ का हम तेल तैयार करते हैं चाहे गठिया का दर्द हो चाहे किसी प्रकार का दर्द हो तो इस चीज़ का हम तेल जरूर तैयार करते हैं तो दोस्तों ये थे इस जड़ी बूटी के हमारे प्रैक्टिकल जो हमने किए हैं देखे हैं और जो हम करते हैं तो दोस्तों ये मनगण कहानी नहीं है अगर किसी को डॉट हो और इसका कहाँ कहाँ प्रचलन होता है मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया होता है मैं बता दूंगा कि इसको कहाँ यूज़ करते हैं और कहाँ आप जा सकते हैं और उस जड़ को बांधते हैं बहुत सारी ऐसी जगह हैं मैं बता सकता हूँ तो दोस्तों उम्मीद करूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे शेयर करेंगे और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करेंगे हमारा वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार